एक बार फिर से बीबीसी बेथेस्टा की तरफ से आप सभी को 2012 की शुभकामनाएं, और अपना सिलसिला जारी रखते हुए कुछ अंदरूनी खबरें 2012-2011 जो है वो मेरे लिए भी काफी रोमांचकारी रहा एक दिन अचानक, और इसलिए मैं यहां से अपने खास दोस्त को लिए दुआ करूंगा कि 2012 में वो अपना वेट कंट्रोल कर सके। आप लोगों को सुनकर कभी ये होगा कि मैं ये कैसी दुआ दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत सही दुआ है। एक दिन अचानक सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, मैंने उठाया, कानों के पास लगाया, आवाज जानी पहचानी लगी, समझ गया भाई बहुत दिनों बाद किसी ने फोन किया है। चाहता तो बहुत सारी बातें बोल देता लेकिन शांत हो गया। उधर से आवाज आया, परमित, मैं बोला हाँ बोलो क्या बात है। तो मैं बोला, उसके बाद मैंने तुरंत बोल दिया, उधर साइलेंट हुआ थोड़ा, मुबारक हो। किस चीज का मुबारकबाद उधर से? मैं बोला मां बनने के लिए। नहीं अभी कैसे, अभी तो मेरी शादी हुई है अभी नहीं। तो मैं बोला ठीक है जब, मतलब तो ऐसे क्यों फोन किया तूने ऐसी क्यों? तो मैं बोला ठीक है जब बनना तो बोलना, तो मैं 20 कर दूंगा। तो नहीं मैं तुम्हें क्यों फोन करूंगी जब मैं बोला ठीक है मैं फेसबुक पे अपडेट कर दूंगा, मतलब उस पर लिख दूंगा। नहीं मैंने तुम्हें फेसबुक से डिलीट कर दिया 2011 दोस्तों, इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि दो लोगों ने मुझे फेसबुक से डिलीट कर दिया, बाकी लोगों ने किया होगा मुझे मालूम नहीं। एक मेरे खास दोस्त कोटा वेंकटेश, एक मेरी खास दोस्त जिनकी शादी हो गई, तो इन लोगों ने मुझे फेसबुक से डिलीट कर दिया। मैंने बोला ठीक है किसी और के फेसबुक पे अपडेट कर देना, मतलब तुम करोगी तो किसी और के थ्रू मुझे पता चल जाएगा, फोटो तो अपलोड करोगी तो। बोली नहीं फोटो तो अपलोड करूंगी तुम्हें दुख होगा। मैं बोला ठीक है भाई क्यों फोन किया बताओ, अब क्या 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 बात है तुम्हें अचानक इतने दिनों बाद, मतलब घूमते घूमते एक साल बाद तुम्हें मेरा मतलब कैसे याद आया, क्या बात है? तो नहीं क्या कुछ बात नहीं है, मैं ये वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। आवाज जो थी वो अंदर ही रह गई 2011 की, ये साल का मैं आपको खास बात बता रहा हूँ कि भाई वेट नहीं कंट्रोल रहा, तो तुम्हें परमित सिंह याद आ गया है, नहीं तो ऐसे तो समय निकल गया था मतलब। अब तो मैंने बोला ठीक है तो मैं क्या करूँ वेट, ठीक है ठंड में सबके वेट बढ़ जाते हैं, मतलब कोई बात नहीं है, मतलब गर्मी आएगी तो वेट कम हो जाएगा। बोले नहीं गर्मी से ही वेट बढ़ रहा है, गजब स्थिति है। अब मैं बोला तो मैं क्या करूं बताओ। तो उन्होंने मतलब बोला वाला उसका अलग चीज है, लेकिन उसका निष्कर्ष ये है कि मतलब अब उनके लिए मैं 2012 में ये दुआ करता हूँ, मेरी अच्छी दोस्ती थी कि भगवान वेट थोड़ा कंट्रोल करे उनका, मतलब वो कंट्रोल कर सके वेट अपना, ये उनके लिए दुआएं हैं दोस्तों। एक और चीज 2011 में बहुत ही खास बात रही, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे प्रिय मित्र अरुण खत्री ने अपना लुक्स चेंज कर लिया है, आप चाहे तो फेसबुक पे कमेंट्स मार सकते हैं। लेकिन एक चीज और उन्होंने किया, वो प्रभावित हुए उन लोगों की सफलता को देखते हुए जिन लोगों की सफलताओं के पीछे उनके नाम के अल्फाबेट शामिल हैं। या तो अपना सिग्नेचर चेंज कर लीजिए जैसे ईशांत शर्मा, या अपने नाम में कुछ जोड़ लीजिए, एक अल्फाबेट ऐड कर लीजिए या एक अल्फाबेट हटा दीजिए, तो ऐसा लोगों की उम्मीद है कि सफलता बढ़ती है, और अगर आप जिस चीज को चाह रहे हैं होती है। जैसे मैंने आपको बताया हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, मेरी तमन्ना है 2012 में एटलीस्ट कुछ हो जाए। तो अरुण खत्री ने अपना नाम चेंज कर लिया, उन्होंने किस कारण से नाम चेंज किया कुछ पता नहीं चल रहा, फेसबुक पर आप देख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि शायद इससे उनके ग्रह कुछ चेंज हो और वो दाम्पत्य जीवन में शामिल हो जाए। तो ये एक खास था 2011, इसलिए भी महत्वपूर्ण है इसमें मतलब लोगों की, और मेरी एक तहे दिल से दुआ है कि 2012 में मैं अपने दोस्त को देखूं दाम्पत्य जीवन में, और मेरी ये भी दुआ है कि भाभी जी अरुण खत्री से ज्यादा मुझे पसंद करें 2012 में, मैं ऐसी दुआ करता हूं। और इसके साथ ही एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा हट के कि 2011 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडी तिवारी के चलते पूरा देश का जो वातावरण है बहुत ही जबरदस्त हो गया है, मतलब हर लोगों में एक आशा जग गई है कि अब वो कुछ कर जाएंगे, नहीं कुछ तो एक मतलब सभी धमकी दे रहे हैं एनडी तिवारी को कि मैं भी कोर्ट में केस कर दूंगा, मेरा भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओ, मेरे भी तुम मतलब कुछ रिश्ता है तुम्हारे साथ, तो ये चल रहा है एनडी तिवारी के साथ प्रॉब्लम। एनडी तिवारी फंस चुके हैं, एनडी तिवारी ने बताया कि ये सिद्ध हो चुका है कि अब धरती पर कलयुग आ गया। आखिर इसमें क्या बात है कि मतलब घोर कलयुग आ गया? तो देखिए पुराने जमाने में क्या होता था कि अगर आपका कोई पुत्र है
जो समाज नहीं जानता कि वो आपका पुत्र है और आप उसके पिता हैं, तो पुत्र क्या करेगा? उसको माँ बताएगी कि बेटे ये तुम्हारे पिताश्री हैं, यहीं से धरती को छू लो। अगर आप किसी शादी समारोह में आए हैं और आपको बुलाया गया, आप एक आदरणीय फिगर हैं, आप वहां आए हैं, तो माँ बोलेगी बेटे यहीं से धरती को छू लो, उनके धरती पर पैर हैं और उनसे आशीष मांगो। तो पहले पुत्र जो थे अपने पिता की आशीष मांगते थे, और कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके मन में होना चाहिए कि आप उनके पुत्र हैं, बस धरती छुइए, उनका पैर आपने छू लिया। और पिता भी बहुत दर्द के साथ मतलब ऐसे देख रहे हैं कि मेरा पुत्र है बट मैं समाज के बंधनों में बंधा हूं, कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, कुछ कह नहीं सकता उसके कानों में। तो जमीन से ही उसमें चलता था, मतलब कालिदास ने जो मेघदूत लिखा कि प्रेमी प्रेमिका कैसे मेघ के द्वारा संदेश भेजते थे, मेरे ख्याल से वो जमीन के द्वारा भी एक कविता उनकी लिखनी चाहिए थी कि धूल दूतम, मतलब पिता और पुत्र की कैसे कहानी बनती थी, लेकिन सही था। तो अब यहाँ क्या हो गया कि भाई साहब अब इस युग में देख रहे हैं ये घोर कलयुग है, क्योंकि हर पुत्र जो है वो अब धमकी दे रहा है कि मैं अब बता दूंगा मैं आपका पुत्र हूं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी। अब इससे क्या हो गया है कि अभी समानता आ जाएगी लोगों में, मतलब लोगों में ये ललक जग गई कि सभी लोग अब ये करेंगे। तो अब इससे ये हो गया कि अब हमें लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा लोगों ने इसमें अब रोजगार बढ़ गया, इसके चलते लोग तरह तरह के लोग धमकी दे रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि अब किसी को भी धमकी देंगे उनसे पैसा लेंगे, जैसे अपहरण का कांड चलता था। तो अभी उम्मीद है कि बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन होते ही लोगों में ऐसी आशा जगी है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इस शासन में तो अभी इन सब मुमकिन नहीं है, और लोग चाहे उनका डीएनए मिले चाहे नहीं मिले तिवारी जी से, बिहार जाएंगे और अपना डीएनए मिला देंगे, वहां से सर्टिफिकेट लेंगे और पक्का एकदम मिला देंगे, और इससे त्रस्त हो जाएगी बहुत सारी पब्लिक, तिवारी जी और भी दूसरे लोग, आपको जिस पे भी इल्जाम लगाना लगाइए, बिहार जाइए सत्ता परिवर्तन होने के बाद, वहां से सर्टिफिकेट लीजिए और सीधा हरियाणा लीजिए। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज की लोगों को उम्मीद है कि हो सकती है बिहार में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो फिर से वो राज आएगा, फिर से उसमें हर तरह के सर्टिफिकेट, हर चीज के सर्टिफिकेट आपको मुफ्त में मिल जाएंगे, सिर्फ पैसा दीजिए और मिल जाएगा। एक चीज और मैं बोलूंगा कि जहां तक खत्री की शादी का बात चला, तो मैंने भी जीवन साथी और बाकी सब प्रोफाइल खोला और देखा, एक दिन अचानक मैं अरुण खत्री के साथ चैटिंग कर रहा था, 2011 में, बहुत ही रोमांचकारी ये साल गया, उधर से एक लड़की का तुरंत ऑनलाइन हुआ, आर यू परमित? मैंने बोला या आई एम परमित, हाँ हाय आई एम दिस 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 फ्रॉम हियर 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 प्लीज सी माय प्रोफाइल। अब मैं लैब में बैठा हुआ हूँ, प्रोफाइल ऑन हो गया, मैंने बोला ओके जस्ट टेल मी व्हाट अबाउट व्हाट यू वांट। तो ये वो ठीक है, थोड़ी देर बाद में वो लड़की पूछ रही है आप क्या परिचित के ब्रदर हो? मैं बोला हाँ मैं परिचित का ब्रदर हूँ। मैं सोचा अरे यार इसमें तो पूरी फैमिली देख ली है, मेरे लगता है एकदम इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि राजीव अमर मुझे दोस्त बोलते ना था कि यार तुम्हारे साथ शादी का प्रॉब्लम है, लड़कियां तुम्हारी फैमिली सिस्टर बहन भाई सभी लड़कियां ये वो। तो ये लड़की ने सोचा कि मैं तो बहुत प्रभावित हुआ कि यार गजब खतरनाक लड़की है, इसने मेरे भाई के बारे में पता कर लिया कि तुम परिचित के ब्रदर हो। मैं बोला हाँ मैं परिचित के ब्रदर हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा भाई है। थोड़ी देर बाद मुझे शौक लगा दोस्तों जब वो लड़की बोली कि मैं परिचित से शादी करना चाहता हूँ। मैं आश्चर्यचकित, मैं 5 मिनट तक कुछ लिख नहीं पाया, वो एकदम लिख रहे आप मुझे परिचित बहुत प्यारा है ये है वो है वो है। मैं बोला क्यों भाई क्यों क्यों? मैंने लिखा क्यों क्यों आप परिचित से शादी करना चाहते हैं? नहीं वो बहुत अच्छी चैट करता है, मतलब मुझसे चैट इतना अच्छा करता है कि मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, 2011 एक बहुत ही सही साल था जिसमें मुझे अनुभव हुआ कि लड़कियां क्या पसंद करती है, मतलब क्या पसंद करती है भगवान नहीं बता सकते। मैंने जब पूछा कि भाई ये परिचित अभी BSc में पढ़ रहा है आप उससे कैसे शादी करना चाहती हैं? तो नहीं नहीं मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, मुझे परिचित बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे चैट करती हूँ। मैंने बोला तुम मिली कब परिचित से? नहीं मैं मिली ही नहीं हूँ परिचित से ना, मैं तो अभी मिली ही नहीं परिचित से। तुम परिचित से मिली भी नहीं और फिर शादी? अब मैं परेशान, मैं बोला आप कहाँ कहाँ की रहने वाली? तो मैं बंगलोर की रहने वाली हूँ और चैटिंग हमारी, मैंने बोला कब से जान पहचान? तो हम लोग पिछले 8-9 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, चैटिंग पर डेली बात होती है। मैंने बोला तो आपने माता पिता को बताया? तो नहीं नहीं बताया। मैंने बोला तो फिर परेशानी बताना चाहती हूँ? तो नहीं अभी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं बोला क्यों? नहीं अभी मैं इंजॉय कर रहे हैं ना परिचित को। मैं बोला अच्छा, मैं बोला फिर मुझसे क्यों बात करें? नहीं मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आजकल मुझसे परिचित बात नहीं कर रहा।
मैं बोला आजकल बात नहीं करा, और उसमें भाई जब मैं बता रहा हूँ कि परिचित बात नहीं करा तो मुझे क्यों नहीं, मुझे लग रहा है कुछ परिचित कुछ मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं बोला तो नहीं करना चाहता छोड़ दो। नहीं नहीं मुझे परिचित बहुत पसंद है। तो मैं बोला ठीक है परिचित पसंद है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि परिचित मेरा भाई है? तो नहीं मैंने आपका प्रोफाइल देखा। मैं बोला तो प्रोफाइल देखा तो मैंने बोला तो तुम मम्मी डैडी से नहीं बात करना चाहते। और इसी बीच में दोस्तों मैंने अरुण खत्री को तुरंत मैसेज मारा कि यार जरा ये दो प्रोफाइल डाउनलोड करके मुझे फॉरवर्ड करो। अरुण खत्री ने फॉरवर्ड किया, मैंने जब उसका प्रोफाइल पढ़ा तो देखिए दोस्तों क्या बात है, लड़की जो है वो 10 साल पहले बीए की, अभी जॉब कर रही है, इंटीरियर कुछ काम है। उसके बाद लड़की की उम्र 33 साल हो चुकी है, अभी भी वो अपने माता पिता को नहीं बता रही है कि उसे कोई परिचित पसंद है, चाहे शादी हो चाहे नहीं हो। परिचित इसलिए पसंद है क्योंकि चैटिंग अच्छा करता है। फिर मैं बोला कि देखिए ठीक है मैं घर पे जाऊंगा, बोल दूंगा परिचित को कि आपसे बातचीत करे। तो वो बात वहां खत्म हो गई। लेकिन ये कहने का ये था कि 2011 में मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी कुछ नहीं हूं। पहले मुझे इस बात की 2010 तक दुख रहता था कि मैं कुछ हूं और फिर भी कुछ नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जब चैटिंग देखा परिचित का चैटिंग तो मुझे समझ में आया वो लड़की प्लस 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 टाइप कर दी है और परिचित माइनस 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 टाइप, अगर वो स्टार 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 टाइप कर दी थी तो क्रॉस 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 स्टार गए, वो ए ए ए ए ए तो परिचित जेड 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 जेड, वो पी 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 तो परिचित टी 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 टी। तो ये चैटिंग है इनकी 8 महीने की, उसमें एक शब्द नहीं, एंड द गर्ल वांट टू मैरी एंड द गाय इज इन बीएससी। मैंने सोचा कि भाई ये चैटिंग का सिलसिला है, मुझे भी थोड़ा डेवलप करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि किसके साथ डेवलप करूं, तो अरुण खत्री के साथ डेवलप करने की सोची। तो मैंने अरुण खत्री को प्लस 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 मारा, उधर से अरुण खत्री ने गलियाना चालू किया, सारे लैब में हूं ये क्या कर रहे हो, प्लस 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 इतने सारे प्लस क्यों भेज रहे हो मेरे पास, तो मैं कभी सीख नहीं पाऊंगा। इसलिए 2011 बहुत ही अच्छा साल रहा, मैंने समझ लिया, मैंने छोड़ दिया, अब ये खत्म किया। ये मेरे लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अरुण खत्री जानता है, उसने प्रोफाइल भेज दे लड़की के जीवन साथी पे, 2 प्रोफाइल नहीं 3 नहीं 4 प्रोफाइल थे, 4 प्रोफाइल मेरे पास फॉरवर्ड आया, सब पे उसका सब चीज सेम। और लड़की बड़े भाई से नहीं छोटे भाई से शादी करना चाहती है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया क्योंकि भाई मेरा भाई रियली भी बीएससी कर रहा है, ही इज वेरी इनोसेंट, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट मैंने एनीथिंग इन द लव सोसाइटी, सो देयर इज नो नीड। उसने बहुत बार ट्राई किया फोन करने के, हमने मना कर दिया खत्म। लेकिन ये मैंने शेयर किया कि 2011 मेरे लिए बहुत ही मतलब कि दिमाग खोलने वाला रहा कि जमाने में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी समझ नहीं है, मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे याद आ गया कि नारद मुनि ने एक बार कंस को बोला था कि इधर से गिनोगे तो ये 8वां, इधर से गिनोगे तो ये 8वां, तो कौन सा 8वां, और बीच में भी 8वां हो सकता है, तुम यहां से गिनती चालू करो ऐसे गिनती तो ये बीच वाले भी 8वां होंगे। तो कंस ने बोला मैं सब सबको मार दूंगा, दुनिया अभी समझनी है। तो ये हो गया। तो शादी से मुझे ख्याल आया कि दोस्तों फेसबुक जो है लोग तरह तरह से शादी कर रहे हैं, तो अब मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि यार परमी तुम अब प्रोफाइल पे मत देखो, प्रोफाइल पे जब तुम देखते हो तो बड़ा दिक्कत होता है, तो तुम एक काम करो फेसबुक पे लड़कियों को देखना शुरू करो। अब फेसबुक पे कैसे देखे लड़कियों को भाई, तो प्रोफाइल पे ढूंढो लड़कियों को और फेसबुक पे आओ, फेसबुक पे उनका प्रोफाइल ढूंढो, वहां पे हम सब देख लेंगे फेसबुक पे कौन नाखून चिपाती है, कौन क्या करते हैं। मतलब उसने मुझे समझाया कि नहीं फेसबुक जो है दोस्त वो बहुत ये है, लोग तरह तरह के फोटो लगाते हैं, उससे पता चलता है उनकी रियलिटी क्या है। तो 2011 में मैंने ये सीखा कि फेसबुक पे आप लड़कियों को ढूंढ सकते हैं। और इसमें ताजुब की बात यह है दोस्तों, अगर आप फेसबुक में लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, और एक किस्सा हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे दोस्त ने जिस लड़की को शादी के लिए बोला, वो लड़की ने फिर मेरे को बोला उसने, और मैंने भी उसी लड़की को किया, तो उसने मुझसे पूछा एक दिन क्या आप किसको जानते हो क्या, मैं बोला हाँ जानता हूँ, मुझे लगा, मैं बोला अच्छा लड़का ये है वो है बहुत अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि उसने भी इसको फेसबुक पे इस प्रोफाइल को ढूंढा है। और चूंकि अब लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई है बिहार में, मतलब इंडिया में अनमैरिड ढूंढा है, और मैंने भी इसको ढूंढा है, तो दोनों थोड़ी देर बाद पता चला रही यार मतलब, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन उसने पूछा ये लड़का कैसा है, मैंने बोला ये लड़का ठीक है अच्छा है कोई बात नहीं है, तो उसने मुझे शादी के लिए बात किया, मैं सोच रही हूँ कि ठीक है तो फिर मैं उसी को हाँ बोलती हूँ। अब लोग मुझे इतना टेंशन हुआ, इतना मैंने बोला नहीं नहीं वो लड़का ठीक नहीं है,
फिर वो लड़की टेंशन में आ गई, ये क्या बोल रहे हो यार तुम, ये मतलब क्या समझा रहे हो मुझे, वो लड़का क्यों नहीं ठीक है। मैंने बोला यार वो लड़का इसलिए नहीं ठीक है कि वो, मुझे लगा कि तुम उसका फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर रही हो, तो मैंने बोला वो फ्रेंडशिप के लिए ठीक है बट वो शादी के लिए ठीक नहीं है फेसबुक पे। तो मैंने कैसे भी टरकाया गया ये, तो फेसबुक का ये भी यूज हो रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा यूज है फेसबुक का, मतलब आप शादी के लिए और ये कर सकते हो। और ये 2011 में काफी चर्चित हुआ लोगों, मतलब मैंने भी दो तीन लोगों को बता दिया है, मेरे दोस्त ने भी सबको बता दिया है, तो अब जनरली जितने भी पब्लिक हैं वो इसका वैसे यूज कर रहे हैं। 2011 एक दृष्टि से और सफल है क्योंकि जो लोग, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग इंडिया से यूएस जा रहे हैं चूंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, तो कृपया अपना ड्रेस खरीद ले। लेकिन भारतीय नारी ने सिद्ध कर दिया है कि वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो एकदम सही सोचती है। मेरे एक दोस्त हैं, अभिन मित्र हैं, यहीं पे हैं, शादीशुदा हैं, तो उनकी वाइफ काफी सारी साड़ियां खरीद के लाई इंडिया से, काफी सारी साड़ियां खरीद के। तो देखिए 2011 में भारतीय नारियों ने कैसे पैसे बचाए हैं। तो जब भी अपना नया लुंगी निकालते थे या कुछ नया निकाल रहे हैं पहनने के लिए घर में, क्या जरूरत है वो पहनने के लिए, तुम मेरी पुरानी साड़ी लपेट लो। तो कहने का मतलब है कि भारतीय नारियों और अपने लिए नए साड़ी खरीद रहे हैं। तो शादी के बाद कैसे ये चेंज होता है ये मैंने आपको बताया कि ये जो है मतलब, और उस पर से अगर वो कुछ बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि क्यों मैं क्यों, अरे तुम देख नहीं रहे हो ना अभी $1 जो है वो 53 रुपीज हो गया, हम वहां भेजेंगे अब तुम्हारे लिए, बाद में खरीदेंगे ड्रेस। तो पहले तो नई साड़ी खुद पहनना है, यूएस में आप किसी को दे नहीं सकते, आपको मतलब या वैसा कुछ है नहीं, तो अपने हस्बैंड को ही दे रहे हैं कि चलो इसको तुम लुंगी बना लो या इसकी तुम गंजी बना लो या इसकी तुम ड्रेस बना लो। तरह तरह के भाभी जी ने कट 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 करके मेरे भाई साहब के लिए तरह तरह के ड्रेस वो बना दिए हैं और वो पहनते हैं, और कभी कभी मेरे साथ स्काइप पे चैट करते हुए दिखाते हैं कि देखो यार ये नया ड्रेस है कैसा लग रहा है। मैं बोला ये नया ड्रेस है, तो हाँ ये नया ड्रेस है, एक्चुअली हम लोग कपड़ा लाए और इसको बना दिए मतलब खुद से ही। तो चलो ये भी ठीक है, मेरा एक दोस्त है नागार्जुन रेड्डी, वो ऑस्ट्रेलिया में खुद ही सब कर लेता है, तो उस दृष्टि से भी ये सही था। तो भारतीय नारी जो है भाई साहब, मतलब कि उसका जो है इकोनॉमिक सोच जो है, शादी के पहले तक बॉयफ्रेंड के जेब से कितना पैसा निकल सकता है उस पर डिपेंडेंट रहता है, और शादी के बाद कितना पैसा बचा सकता है सिर्फ हस्बैंड के ड्रेस और हस्बैंड के रहन सहन और इन सब चीजों पे कटौती करके, इसका मैंने साक्षात 2011 में नमूना देखा। तो 2012 में ऐसी दुआएं हैं कि जो लोग शादी कर रहे हैं वो एटलीस्ट इस चीज को जान और सचेत हो जाए। फेसबुक से एक चीज और आया कि मैंने 2011 में अपने फेसबुक पे मुझे एक दिन कमेंट्स आया, परमित मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से वो भी बोलूंगा, सस्पेंस खुल जाएगा। तो क्या हुआ कि एक भाई साहब थे, मतलब मेरे दोस्त हैं, अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। वो एक दिन क्या, एक फेसबुक उन्हें बहुत अट्रैक्टिव फोटो दिखा, तो वो काफी प्रभावित हुए उस फोटो से। 5 मिनट तक सोचे कि क्या करूं, इसको रिक्वेस्ट भेजू नहीं भेजू, भेजू नहीं भेजू। फिर सोचे चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा, तो प्रोफाइल के अंदर जाके कैसी है मतलब ये वो। तो उन्होंने प्रोफाइल खोला, काफी अच्छे अच्छे फोटो थे, ये थे, प्रभावित हुए। फिर टहलते टहलते उन्होंने अवाक हो गए, उन्हें टेंशन, अरे ये, तो उन्होंने कमेंट्स लिखा, और वो कमेंट्स ऐसा था कि परमित ये क्या लड़की वाली फोटो लगा लियो, सोचते हो इसे बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे। अरे नहीं, मतलब वो अपनी टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने ऐसा लिख दिया। तो इस 2011 का एक अपने दोस्त फेसबुक का यूज, मैं बता रहा हूं कि चूंकि मैं आजकल बहुत यूज करता हूं, 2011 में मेरे गाना निकला चिकनी जमेली, तो मैंने उस गाने का वो, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा उसके बहुत सारे वीडियो सुने हैं मराठी गानों के, हम लोग बजाते थे गणपति बप्पा में सब मराठी गाना है और डांस करते, मुझे बहुत पसंद है मराठी गाना और दागाली लागली काढ़ा और ये सब वो सब। तो मैंने एक गाना डाला चिकनी चमेली का कोमड़ी पे कि वो उसकी म्यूजिक चुराई हुई है। मेरे एक दोस्त है राहुल सिंह, उन्होंने लिखा अरे क्या परमित सर अभी भी आप यही गाना सुन रहे हैं, मैं तो सिर्फ देख ही रहा हूं, मैंने आज तक इसको सुना ही नहीं। तो भैया राहुल, परमित सिंह चिकनी चमेली नहीं, शीला की जवानी भी आज तक सुन ही रहे हैं।
हमने आज तक कभी शीला की जवानी देखी नहीं। कारण मैं वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं हमेशा जब भी गाने सुनता हूं, आइटम सॉन्ग मेरा बहुत पसंदीदा, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। और सपोज शीला की जवानी बज रही है तो मैं ये महसूस करता हूं कि कैटरीना कैफ यहां डांस कर रही है और बोल रही है कि आई एम टू सेक्सी फॉर यू पार्टी। जो अगला लाइन है वो मैं आंख बंद करके ये सोच लेता हूं, वो मैं सुनता ही नहीं हूं कि वो अरुण खत्री के लिए बोल रही है कि मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा। तो मुझे बहुत एक अंदरूनी फीलिंग होती है कि भाई साहब कैटरीना कैफ बिल्कुल मेरे सामने डांस कर रही हैं और ये हमारे और उनके बीच में हवा भी नहीं है, एकदम कोई दूरी नहीं है, और वो बोल रही हैं मेरे कानों में एकदम करीब आ गई, आई एम टू सेक्सी फॉर यू। और उसके बाद अगला मैसेज मैं सुनता नहीं, वो अरुण खत्री के लिए है कि मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगी। तो राहुल ये रीजन है कि मैं कोई भी गाने जो है सिर्फ सुनता हूँ, उसके वीडियो देखता नहीं, क्योंकि वीडियो देखने की मेरी उम्र चली गई, मैं उसको महसूस करता हूँ। तो 2011 का ये संदेश इस पुरुष संध्या पे नए साल की शुभकामनाओं के साथ राहुल जी के लिए। तो एक चीज और मैं बता देता हूं कि दिल कैसे जलाता है, इस पर एक उदाहरण 2011 में ऐसा खबर आया कि हमारे युवराज सिंह जो कि हमारे क्रिकेट टीम के बहुत ही जवाज प्लेयर हैं, उनको कुछ परेशानी है। 2012 में ये दुआ है, मैं उनका काफी बड़ा फैन हूं, उन्होंने T20 भी जिताया था और इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उन्होंने खेला, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था उनके लिए बीबीसी बेथेस्डा की तरफ से। मैं दुआ करता हूं कि 2012 उनके लिए अच्छा हो, सफल हो, उनकी क्रिकेट टीम में वापसी हो, टेस्ट टीम में वापसी हो, अच्छा करे, बढ़िया करे, और उनका जो रोग है, जो परेशानी है, जो डिजीज है, वो खत्म हो जाए, पूरी दुआएं हैं। लेकिन एक और चीज ऐसा न्यूज में आया कि उनकी उस बीमारी में दीपिका पादुकोण का दिल बहुत ही बेचैन हो रहा, उन्होंने उसको फोन कर दिया। फोन करने के बाद पता चला कि जितनी उनकी फोन से उनकी खुशी नहीं हुई उतना उन्हें दुख हो गया युवराज को। कुछ मत सोचिए, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, बात ऐसी है कि उन्होंने जो फोन किया उन्हें खुशी हुई, लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसा आशा जग गई शायद किम भी फोन करेगी, जी हाँ किम शर्मा, लेकिन किम शर्मा का कोई फोन नहीं आया। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई दीपिका पादुकोण और किम शर्मा में अंतर है, दीपिका पादुकोण जो है अभी भी एक उड़ती हुई पंछी है, उन्हें किसी न किसी का सहारा चाहिए, इसलिए तुम्हें फोन डाल दिया। लेकिन किम अब बस चुकी हैं, अब वो तुम्हें फोन करके क्यों गलत काम करेंगी। लेकिन दिल तो भाई दिल है, उसे इन सब बंधनों से मालूम नहीं, उसे तो बस एक फोन का इंतजार रहता है, जैसे मुझे आया, मेरा वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसे उनको इंतजार है कि एक बार आए पूछे युवराज क्या हाल है। अब मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे नंबर मिल जाए किम जी का तो मैं ही डाल कर दूं, जरा कर लीजिए हमारे भाई को फोन ताकि वो क्रिकेट टीम में वापसी कर सके, कि एनर्जी आए उनमें। तो ऐसी दुआ है कि 2012 में कहीं से गलती से फोन डायल हो जाए और एक मैसेज, एटलीस्ट तो एक मैसेज आ जाना चाहिए। तो इस दुआओं के साथ 2012 की ये शुभकामनाएं उनके लिए। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई साहब इन सब खबरों के साथ एक खबर खास बीबीसी बेथेस्डा, इसके लिए माफी मांगना चाहती है, हम कुछ पता नहीं कर पाए अमित सर के बारे में। अमित सर जी हाँ, अमित आनंद अपने सीसीबी के हमारे सीनियर, अरुण खत्री और मैं हमेशा परेशान रहते थे कि भाई क्या करें, ये प्रवीण सिंह सर के ग्रुप का ये है, इन लोगों की अलग अलग स्टाइल है, कोई ऑफलाइन होके, कोई ऑनलाइन होके, कोई कुछ होके। तो हम और अरुण खत्री हमेशा परेशान रहते यार अमित सर का कोई न्यूज नहीं है, अमित सर का कोई न्यूज नहीं है, और भी बाकी लोग हम लोग से पूछ रहे थे कोई न्यूज कोई न्यूज कोई न्यूज। तो एक दिन क्या हुआ कि अमित सर प्रतापित हुए जीमेल पे, तो मैंने खत्री को बोला, हम लोग का स्काइप हमेशा खुला था, खत्री आ गए हैं सर। तो खत्री उसमें कुकिंग कर रहा था, बोला कि यार मैं तो कुकिंग कर रहा हूँ, तुम पूछ लो। मैंने लिखा सर कैसे हैं, क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैसेज आया उनका, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। मैं वेट किया 5, 10, 15, 20, 25, नहीं आया। तो इस मैसेज के साथ अमित सर मैं आज भी आपके 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ, 2011 खत्म होने जा रहा है, 2011 में आपको 5 मिनट नहीं मिले, कृपया 2012 में 5 मिनट मेरे लिए और 5 मिनट अरुण खत्री के लिए निकालिए और आइए, अगर जीमेल पे नहीं तो फेसबुक पे, और अगर किसी पे नहीं तो कुछ लिख के भेज दीजिए। 5 मिनट के आपके पास ये 5 मिनट भी नहीं है जो आप लिख नहीं सकते। तो 2012 में अमित सर के लिए स्पेशल दुआ कि भाई भगवान उनको 5 मिनट दो ताकि परमित सिंह और अरुण खत्री को एक मैसेज तो मार सके, एटलीस्ट हैप्पी न्यू ईयर तो भेज दीजिए अमित सर। तो इस दुआओं के साथ बीबीसी प्रतिष्ठा की तरफ से सभी लोगों को 2012 की शुभकामनाएं, और दोस्तों 2011 को खुशी खुशी विदा कीजिए, क्योंकि 2011 में जैसे मैं आपको बताया
बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी उपलब्धियां लोगों के लिए। सभी लोगों को तो नहीं होगी, लेकिन दूसरों की खुशियों में भी खुश होना सीखिए और इंजॉय कीजिए।